आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस दावेदार का सपोर्ट करते हैं? हम तो कांग्रेस को करेंगे, बीजेपी को, कांग्रेस के समर्थन अशोक मित्तल जी, भाजपा का अशोक गहलोत, भारतीय जनता पार्टी तो अशोक जी मित्तल जी, जितेंद्र सिंह माली, जितेंद्र सिंह माली कांग्रेस, कालीचरण सराफ, जितेंद्र श्री माली बीजेपी की, कांग्रेस को अशोक मित्तल सर, जितेंद्र श्री माली बीजेपी, बीजेपी बीजेपी के साथ ही हम जितेंद्र सिंह माली, जितेंद्र श्री माली है, पवन गोयल का सपोर्ट करते हैं बीजेपी, पवन गोयल जी का सपोर्ट करेंगे जितेंद्र जी श्री माली, पवन गोयल, जितेंद्र जी श्री माली, पवन गोयल का, सब कांग्रेस पार्टी का, अशोक जी मित्तल बीजेपी का। यहाँ की प्रमुख तीन बड़ी समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या एक तो यातायात की है यहाँ पे, दूसरा सफाई की है, पेयजल की समस्या है, अपराधों को कम करवाना, सड़कों की है थोड़ी बहुत, और पानी की निकासी की है, रोड पे पानी भरा रहता है बरसातों में एक तो, और सफाई थोड़ी सही ढंग से नहीं होती है, वैसे ट्रैफिक अतिक्रमण और फाटक, पानी रोड सड़कें वगैरह गंदगी वगैरह होती रोडों पे, बस लाइन की जगह कचरा, कचरा ट्रैफिक, पानी की, बिजली की, और ये सड़कें टूटी फूटी हुई है, सड़कें खराब है, बेरोजगारी ज्यादा है, क्राइम ज्यादा हो रहा है, शुभ नहीं है यहाँ पे, कैमरों की थोड़ी सुविधा हो जाए, सफाई पानी की है, भयंकर समस्या है, पानी का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, रोड की पानी की, एक तो प्रमुख समस्या थोड़ा सा ट्रैफिक का है, थोड़ा सा रोड साइड जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और मतलब सफाई वगैरह को लेकर जो थोड़े से प्रॉब्लम्स रहती है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है और साफ सफाई तो रोड बनवाने और लाइट की समस्या है, पानी की है, पानी की है, सफाई की और लाइट, लाइट कचरे की, ट्रैफिक, पानी, ट्रैफिक और लाइट, ट्रैफिक जाम, पानी, रेलवे फाटक, सिविल लाइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार, जनता दरबार के नए शो दावेदारी में आप सभी का स्वागत है। आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं अशोक मित्तल जी, मालवीय नगर विधानसभा से। अशोक मित्तल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अशोक मित्तल जी, हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं टिकट की, अगर आपको पार्टी टिकट दे भी देती है और आप चुनाव जीत भी जाते हैं, तो आने वाले 5 साल बाद विधानसभा में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? बदलाव की लहर चल रही है, परिवर्तन ही देश का नियम है। अभी सब ऐसा लगता है कि भाई मेरे काम होगा या नहीं होगा, मैं इस काम की छुटकारा एक पद्धति ऐसी बनाऊंगा जिस जो उनको लगे कि भाई विधायक अपना है, कभी भी किसी भी बेरुक टुक तरीके से आकर के काम करा सकें, अपना झिझक नहीं हो, ऐसा एक मैकेजिंग डेवलप करना पड़ेगा और मैं करूँगा। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में ऐसी क्या प्रमुख तीन बड़ी समस्याएं हैं जिसके बारे में आप कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर पट्टे की है, कच्ची बस्तियों में जो बहुत लंबित पड़े हुए हैं, जिनके पट्टे नहीं मिले हैं, प्राथमिक तौर पर उनको सबको पट्टे दिलाए जाएंगे। लाल कोठी में भी ऐसी एक बड़ी बड़ी समस्या है पट्टे की, काफ़ी दिनों से वो पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम से वो लंबित है और सरकार उसको करना नहीं चाह रही है। सरकार आते ही सबसे पहले प्राथमिकता पर ये काम किए जाएंगे। और दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरी समस्या है यहाँ पर, यहाँ छात्र वर्ग बहुत रहता है, ये एजुकेशन का हब है, पूरे प्रदेश से, प्रदेश के बाहर से भी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, और इस जो मालवीय नगर विधानसभा है इसमें एजुकेशन ट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, वो मन लगा करके तैयारी करते हैं, साल भर पूरी तैयारी करते हैं, पैसा लगा के यहाँ आते हैं, और जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता लगता है कि आज सब पेपर लीक हो गया, बहुत मायूस होते हैं, बहुत दिमाग ख़राब होता है उनका, और पैसे का अपव्यय भी होता है, बेचारे जो माँ बाप हैं उनके बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और फिर यहाँ आकर के ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। हम चाहेंगे ऐसी भविष्य में ऐसी कोई समस्या नहीं हो, और हम ऐसा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक काम करेंगे कि कोई भी पेपर लीक नहीं हो, विश्वास के साथ में छात्र अपना काम आगे अध्ययन कर सके। तीसरी समस्या क्या है? तीसरी समस्या जाम की, या बहुत जाम है, जो घर से जब निकलता है अपने काम पे जाने के लिए व्यक्ति 1.5-2 घंटे पहले निकलता है, गंतव्य पहुंचने पर उसको इतना समय लगता है, ऐसे ही शाम को लौटते समय घर पे आने में भी उसको इतना ही समय लगता है। तो इसकी प्रभावी तरीके से कोई योजना बनवा करके, कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको हटाया जा सकता है, कुछ और भी दूसरे वैकल्पिक जब रास्ते हैं वो भी तैयार किए जा सकते हैं, ऐसा कोई तैयार करके मैकेनिज्म उसको किया जाएगा। बाकी दावेदारों से आप अपने आप को स्वयं को अलग कैसे मानते हैं? मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, पिछले 48 साल से संगठन में ही काम किया है, और संगठन में काम कैसे समाज के लिए करना चाहिए वो मेरी पद्धति में है, क्योंकि मैंने हमेशा काम ही यही किया है, जा करके समस्याओं का समाधान करने के बाद में समस्या बताना, उसको फिर आगे पहुंचाना, उसको समस्या का समाधान करना। परिवार में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत भी होती हैं, सार्वजनिक भी होती हैं, उन सबको दूर करना यही एक मेरे पास काम है। संगठन में रहते हुए आपने मालवीय नगर विधानसभा के लिए ऐसे क्या उत्तम कार्य किए? मालवीय नगर विधानसभा के लिए नहीं, पूरे
महानगर के लिए मैंने काम किया है, मेरे पास सामाजिक सद्भाव का कार्य था, जाति बिरादरियों में सामाजिक सद्भाव कैसे हो, कैसे समता समरसता हो, ये सब काम मैंने मेरे कार्य मतलब रहते हुए किया है। मतलब माना जाए कि आप सिर्फ विधानसभा ही नहीं पूरे जयपुर के लिए आपने कार्य किया है। हाँ, मेरे पर जयपुर महानगर का ही मेरे पर जिम्मेदारी थी, तो इसलिए मुझे जयपुर महानगर में जाना पड़ता था। अगर आपको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ऐसा संस्कार भी नहीं है और ये मेरे संगठन का काम भी नहीं है। संगठन जो भी तय करता है वो हमारे लिए सर्वोपर है और उसको जिताना, उसको सक्सेस करना हमारी जिम्मेदारी है। उसको हम यही मान के चलते हैं कि जैसे हम अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक रैपिड राउंड है हमारा, मैं एक वर्ड में कहूँगा, उसमें आपको एक वर्ड में ही आंसर देना है। वोटर। वोटर जागरूक है, देख करके काम देता है। राहुल गांधी। दुर्भाग्य है। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के विषय में तो कुछ कहने की आवश्यकता। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सदियों तक याद किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। विकास। विकास की दृष्टि से देखें तो आज अपने हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में हमारे विकास की डंका बज रहा है। वोटर। वोटर जागरूक है, काम देखकर वोट दे रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा भाईचारा है। किसान। किसान का ऋण माफ नहीं करना, सरकार को वादा करने के बाद में माफ नहीं करती है। हमारी सरकार आते ही इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, जो ठीक है वो सबको ठीक किया जाए। भारत। भारत, भारत द्वीप, जम्मू खंडे भारत द्वीप है, ये हम सदियों से सुनते आए हैं। भारत नाम सुनते ही हमारे मन में एक बहुत अच्छा विचार आता है। इंडिया सब सुनते तो लगता है कि हम गुलाम हैं अभी भी, तो इसलिए मेरी तो सबसे अपील है इंडिया को छोड़ करके भारत का नाम ही लेना चाहिए। भारत माता की जय हमारे मुंह से निकलती है तो यही हमको भारत सिखाता है और भारत रहने वाले यही एहसास कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद दावेदारों की इस बातचीत में आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।